आई एम नीतीश कुमार एंड यू आर वॉचिंग नीतीश एंड कुजीन। आज हमारे साथ है केकी बेकी की ऑनर मिस यशी। वेलकम नीतीश भैया। थैंक यू। तो यशी एक बहुत ही अच्छी होम बेकर है, और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हम लोगों ने शालिनी के बर्थडे में जो केक आया था वो यशी के द्वारा ही कुक किया गया था, बेक किया गया था। तो यशी आज आप हमें कौन सा केक बेक करके दिखाएंगे? आज हम लोग फ्रेश फूड केक बनाएंगे। अरे वाह, तो अवेलेबल नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है फ्रेश फ्रूट केक, तो मैं रांची के किसी भी बेकरी में नहीं देखता हूँ। तो यशी आज है, आप जो भी फ्रूट्स यूज करेंगे वो बिल्कुल फ्रेश होगा। बिल्कुल फ्रेश। अरे वाह, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यशी का ये रेसिपी, और ये है फ्रेश फ्रूट केक। ओके, तो यशी ये आपने यहाँ पे केक बेक करने के लिए रख दिया है। वो ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा, रेडी ही है मतलब। ओके, तो चलिए इसे निकालते हैं। तो कितने देर इसको आपने बेक किया है? 30 मिनट। ओके, तो देखिए कि यहाँ पे कितना अच्छा इनका बेस जो है रेडी हुआ है। ओके यशी, तो फिर अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग क्रीम व्हिप करेंगे। ओके, व्हिपिंग क्रीम ले चुके हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक बीटर के मदद से इसको। तो कितना टाइम लगेगा इसको व्हिप करने में? 3 से 4 मिनट मैक्सिमम। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लो स्पीड से स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, तो हमारा सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी है। रेडी है। तो क्या क्या लिया है यशी आपने बताइए? ये तो हमारा जो स्पंज है था वो बेक किए थे। ओके, ये मिक्स फ्रूट्स है, इसमें है दिखाओ इसको थोड़ा, पाइनएप्पल। अच्छा, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कीवी सब है। अच्छा, और फिर जिसको कीवी नहीं पसंद है उन लोग के लिए हम लोग ऐसे बिना कीवी के ही बना सकते हैं वैसे। okay, कुछ नहीं। कीवी तो मेरा फेवरेट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो फिर आपके लिए तो अच्छी बात है। हाँ, फिर ये पाइनएप्पल है, ये कीवी है, ये स्ट्रॉबेरीज है, चेरी है, और एप्पल हम लोग बाद में काटेंगे क्योंकि वो ब्लैक हो जाता है ना। अच्छा, और ये सिरप है जिस शाइनिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, ये भी शुगर सिरप ही है, इसको स्पंज को सोक करने के लिए यूज करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा ड्राई फ्रूट्स है। ओके, ये हमारा व्हिपिंग क्रीम। ओके, तो इसमें तुम सिरप डाल रही हो? सिरप से। अच्छा, मतलब कि पहले क्रीम लगाने से पहले इसमें सिरप? हाँ। ओके, तो ये जो बेस है उसमें तुम शुगर सिरप से जैसे मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइजर यूज करते हैं ना। अच्छा, वैसे इसको भी मॉइस्चराइजर होता है। और इसमें ये व्हिपिंग क्रीम जो किया था, तो टोटल जो बेस है वो तुमने 3 स्लाइस में? हाँ, 3 स्लाइस में कट किया। अच्छा, तो ये और भी ज्यादा ये ऊंचा हाइट का बनेगा। इसको इसमें पूरी तरह से स्प्रेड करना। क्रीम लगा दिया, अब हम लोग इस पे। अच्छा, फ्रूट्स डाल देंगे। तो इसके ऊपर फ्रूट्स स्प्रेड कर रहे हो? स्प्रेड कर देता है। तो इसमें देख रहे हैं एप्पल है, पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, और कीवीज है। अच्छा, तो बहुत ही डिलीशियस केक बनने वाला है। बिल्कुल फ्रेश। बिल्कुल फ्रेश। तो इसके सेकंड लेयर में भी फ्रूट्स लगेगा? ये तो पूरा एकदम फ्रूट से भरा हुआ केक है। ये केक तो बड़ा हेल्दी भी लग रहा है मुझे, इतने सारे फ्रूट्स खा के तो एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत हेल्दी, बहुत हेल्दी। हाँ, ड्राई फ्रूट्स भी और हेल्दी हो गया। तो जनरली हम लोगों को जब भी हम कोई भी दुकान से केक खरीदते हैं तो उसमें सिर्फ 2 लेयर होता है, पर इसमें आप देख सकते हो कि ये 3 लेयर का बन रहा है, और तीनों लेयर में क्रीम और साथ में उसमें ड्राई फ्रूट्स, तो और भी ज़्यादा ये एकदम थिक होगा, अच्छा होगा, और खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो फिर से आप इसमें शुगर सिरप लगा रहे हो? सेम प्रोसेस। फिर इसमें आप वो व्हिप क्रीम लगाओगे, देन उसमें फ्रूट स्प्रेड करो। ड्राई फ्रूट्स। ओके।
तो लगभग शेप रेडी हो चुका है। तो यशि तुम मतलब कि अभी से इतना तुमको कुकिंग का स्टार्टिंग से शौक रहा है या फिर अभी रिसेंटली तुम कुक करना स्टार्ट किया? कुकिंग का तो नहीं बट हाँ बेकिंग का। अच्छा शौक। ओके तो अभी तुम्हें अपना ये स्टार्ट किए हुए कब कितने महीने हो गए? एक महीने। अब मुझे लगता है एक महीने में ही स्टार्टिंग में ही ये बहुत ही हिट गया है इनका केक, लोग काफी पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग काफी पसंद कर रहे हैं। अगर आपको भी यशि के द्वारा कुक किया हुआ बेक किया हुआ केक ट्राई करना है तो मैं यहाँ पे एक नंबर दे दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये केकी बेकी का नंबर है, साथ में यशि का एक पेज भी है इंस्टाग्राम में केकी बेकी के नाम से, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ DM करके भी अपना केक ऑर्डर कर सकते हो। तो देखिए कितना अच्छा ये दिख रहा है। अब ये फर्स्ट लेयर हो गया है, क्रम कोट हो गया है। अच्छा इसे क्रम कोट करते हैं। अब हम लोग इसको फ्रिज में रख देंगे 10 अच्छा। मिनट के लिए ताकि पूरा सेट हो जाए। अच्छा फिर हम लोग सेकंड लेयर डालेंगे। ओके तो अब ये जाएगा फ्रिज में फॉर 10 मिनट्स। ओके तो अब ये जा रहा है फ्रिज के अंदर फॉर 10 मिनट्स। तो अब ये रेडी है, तो क्रीम से पूरी तरह से रेडी है। अब इसमें फ्रूट्स का डेकोरेशन होगा। सबसे पहले हम लोग नीचे स्ट्रॉबेरीज लगाएंगे। ओके इतना अच्छा स्मेल आ रहा है ना केक का, बहुत ही यम्मी। ये पूरा फ्रेश है ना। ओके तो केक तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, और इसका जो स्मेल आ रहा है ना सारे फ्रूट्स का वो भी बहुत अच्छा है। बहुत ही सुंदर केक बनाया आपने यशि, थैंक यू। तो चलिए इसको टेस्ट किया जाए। हाँ बिल्कुल। ओके तो मैं इसे कट कर रहा हूँ। बहुत ही सॉफ्ट केक है और बहुत इजीली ये कट भी हो रहा है। ओके अब टेस्ट करके बताइए। ओके तो इसमें देख सकते हो अंदर में जितना भी स्लाइड है सारे में क्रीम है, फ्रूट्स है और बाहर में भी फ्रूट्स है, इसमें भी दिख रहा है। हाँ यहाँ यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत सारे फ्रूट्स के जो लेयर्स है वो दिख रहे हैं। हाँ ओके तो मैं ट्राई करता हूँ। बहुत ही टेस्टी है, जो भी फ्रूट्स हैं वो सारे आ रहे हैं, पाइनएप्पल है, कीवी है, टेस्ट बहुत अच्छा है। स्वीटनेस इसकी जो है बहुत ही लाइट है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है, और क्रीम जो था वो भी बहुत फ्रेश लग रहा है। बहुत सारे क्रीम जो होते हैं ना खाने में ही आपको पता चल जाता है कि वो बहुत ही बटर वाले क्रीम होते हैं, बहुत ऑयली फील होते हैं, पर इसका जो क्रीम है वो बहुत ही अच्छा क्रीम है, फ्रेश क्रीम है,
वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपका जो केक का जो बेस है वो बहुत स्पंजी और सॉफ्ट है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओवरऑल जब भी कोई केक खाएगा, अगर स्पेशली अगर आप किसी बर्थडे के लिए या फिर एनिवर्सरी के लिए लेके जा रहे हो, बहुत ही वो खुश हो जाने वाला है। तो किसी को भी ये एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंट है। तो मेरी तरफ से तो बिग थम्स अप, 10 out of 10 मैं इसे देना चाहूँगा, क्योंकि इतने सारे फ्रूट्स हैं, सारे लोग इसे पसंद करेंगे, चाहे वो बच्चे हो चाहे कोई भी हो। तो मैं तो ये पूरा खाने वाला हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगा सच में। पूरा आपके लिए ही है। ये तो बहुत ही टेस्टी केक है। तो यसी इसकी प्राइस क्या होगी? ये है 550 का। 550 का, क्या बात है, इतने कम प्राइस में इतने सारे फ्रूट्स के साथ इतना डेकोरेटिव केक मिल पाना बहुत ही रेयर है। तो मैं तो बिल्कुल ही रेकमेंड करूंगा इस केक के लिए आप लोगों को। तो केक के साथ आप और क्या क्या कुक करती हैं, बेक करती हैं? कुकीज होगा, कुकीज, कपकेक्स, कपकेक्स, होममेड चॉकलेट्स होंगे। ओके, तो आपने देखा कि कितने अच्छे से इन्होंने पूरा प्रोसेस दिखाया, साथ ही कितने क्लीन और हाइजीनिक इन्होंने मेंटेन किया है, हाइजीन मेंटेन किया है। और अभी के टाइम पे ऐसे सिचुएशन में, कोरोना के टाइम पे, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप एकदम बिल्कुल सेफ रहिए और अच्छा घर का बना हुआ केक ट्राई कीजिए। और टेस्ट तो है ही इसका बहुत ही लाजवाब। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये केक। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपने घर पे ऐसे ही फ्रेश और ताजा केक चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए यशी को, केकी बेकी की ऑनर मिस यशी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी केक बनाती हैं। आप इनको कॉन्टैक्ट करने के लिए इनके नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर आप केकी बेकी के पेज को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही इंटरेस्टिंग खाने के साथ। और थैंक यू यशी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो ये मोना दी है जिनको जबरदस्ती आना था वीडियो में, इसलिए जबरदस्ती की है ये वाला। ये पहचान रहे ना, लस्सी घर वाली है। मैं रही है। वे लस्सी घर वाले वीडियो में आई थी। तो कैसा है केक? जहाँ टेस्टी खाना देखी नहीं धम से पहुँच जाती है। केक तो जैसा नीतीश बताया बिल्कुल वैसा ही। बहुत मस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही केक। बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। प्लीज यार खरीदना, टेस्ट करना तुम लोग भी। ठीक है।